यही तुलसीदास जी चौपाई कह रहे थे तो गाई इन्होंने, ये जो पर लड़कनी माने पर लड़की, पर कन्या जो आई है, इसको कैसा स्नेह करना, जैसे आंख के तारे को करते हैं ऐसा स्नेह करना है। ये राजा दशरथ की तरफ से वार्निंग हो गई, जिससे उम्र का जो भेद है, सीता की उम्र और कौशल्या की उम्र का जो भेद है, इसमें बनना कठिन होता है। उम्र के हिसाब से ही सास बहू में नहीं जमता है, कोशिश करके भी नहीं मैच होता है, उम्र का फर्क है। राजा ने कहा जो भी हो पर तुम्हें यही दंड भोगना पड़ेगा। कही भूपति, राजा माने भूपत, राजा ने यह कहा कि मेरी नहीं रहोगी तुम, या तो मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार देंगे। इसीलिए चारों कन्याओं को अपनी कन्या मान करके कभी जनकपुरी दोबारा वो ना जाएं, इतना प्रेम उन्हें देना है। और मायके दोबारा नहीं जाने वाली ये चार ही कन्याएं हैं पूरे इतिहास में, ये ध्यान रखिए, जो एक बार आ गई विवाह करके दोबारा कभी नहीं गई मायके। ये परम सौभाग्य है, क्योंकि जितने जो चलन होते हैं अदला बदली के, वो सब जनकपुरी में ही पूरे हो गए थे। सवा महीने शादी के बाद वहीं रहे और सब नियम चार जो होते हैं वो सब वहीं पूरे कर लिए थे। शुरू शुरू में नई बहू आती है तो दो दिन के बाद मायके जाती है, फिर पांच सात दिन में फिर वापस आती है, फिर 15 दिन में जाती है, फिर वापस आती है। वो धीरे धीरे पुराना करते हैं उसको, जिससे उसका मन खराब ना हो, नए लोगों से लगाव हो, पुराने लोगों से वैराग्य हो, तो थोड़ा थोड़ा करके छुड़ाते हैं। पर पहले तो त्याग था, तो पहले बारात जो है बहुत दिनों रुकती थी, हम बहुत छोटे थे तब भी 3-4 दिन तो हमने भी देखा है बारातों को रुकते हुए। यानी कि आज से थोड़े साल पहले भी ऐसी परंपराएं थी कि कम से कम 3 दिन बारात रुकने का धर्म था। आज कल और परसों विदाई, आने का दिन गिना नहीं जाता था, रुकने का दिन गिना जाता था, और फिर विवाह करने वाला दिन, फिर विदाई। पर अब सब खत्म हो गया महाराज, सब चीजें, धन बढ़ गया, दूध बढ़ गया, गेहूं बढ़ गया, पर प्यार कम हो गया, व्यवस्थाएं बिगड़ गई। पहले धन कम था, अनाज बहुत कम होते थे, पर तब भी मेहमान को ज्यादा रोकते थे, जाने नहीं देते थे, सौगंधे अलग अलग खिलाते थे घर के लोग। आज मेरे नाम की सौगंधे नहीं जाओगे, पूरा हो गया, कल फिर दूसरे ने सौगंधे। अठवाड़िया तो ऐसे ही निकल जाता मेहमान को जाने के लिए, 8 दिन तो सौगंधे से, इतना प्यार, इतना लगाव, इतना दुलार। क्यों? टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कनेक्शन नहीं था, तो 15 किलोमीटर दूर रहने वाला मामा भी ऐसा लगता था शायद सीधा कसीदा के दूसरे देश से आया है, मानो चांद गिर गया हो धरती पर, इतना सुख मिलता था मामा से। और अब तो कोई भी आदमी आकर के टिकता नहीं घर में, वो खुद ही चिल्लाने लगता है, अच्छा ठीक है हो गया अब निकलते हैं, अच्छा ठीक है हो गया अब निकलते हैं। आदमी के पास अब खुद ही कहीं टिकने रहने का स्वभाव नहीं बचा है। क्यों? उसका खुद का स्वभाव नहीं है किसी को रोकने का, तो दूसरे के यहां रुकने का स्वभाव कहां से बचेगा? जब हम अपने घर मेहमान को खुशी से ज्यादा रोकते हैं तो दूसरे के यहां रुकने का आनंद समझता है। सबको अकेला रहना पसंद है, सब अकेले अकेले हो गए, सबको अकेला रहना पसंद है। और ये मोबाइल तो इतना दुश्मन है, किसने सबको बिल्कुल अकेला कर दिया है, सबको अकेला कर दिया। एयरपोर्ट पे हम उतरे तो हम थोड़ी देर, हमें बड़ी टाइम लगा, चेकअप वेकअप हो रहा था, तो भारत की एक और कोई कपल आए थे, मोटरू मोटरू से थे, यहीं पे रहते होंगे, तो उतरे तो वो भी बैठे, उनका कम चेकअप था पर टाइम तो लग ही रहा था, तो वो बैठ गए एक सीट पे दोनों मियां बीवी। तो 1 मिनट तक तो पत्नी ऐसी बैठी थी ऐसी चिपक के पति से, जैसी अचानक उसे भूत सा चढ़ा, अचानक बैग में से निकाला उसने सरेंडर सा, फोन निकाल लिया बैग में से, और फोन निकालते से 5 फुट दूर जाके बैठी, 5 फुट दूर। मैंने कहा पति से क्या छुपाना है फोन में, बोलो।
तन बदन सब उघाड़ रखा है पति के लिए और मोबाइल छुपा रखा है। 5 फुट दूर गई, मैंने कहा इसको क्या हो गया है। मुझे लगा कि पति अचानक एलियन तो नहीं बन गया, कहीं करंट मार रहा हो। तो बाद में जब फोन पे चालू हो गई मम्मी जी, तब समझा कि मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो वही खिचड़ी है, फोन है। तो ये हाल है, फोन पर उंगली चला करके लगभग 7 मिनट तक मैंने रिकॉर्डिंग की वहां। 7 मिनट तक उंगली चलाती रही चलाती रही चलाती रही, फिर मोबाइल को फिर बंद करके थैले में धर के फिर खिसक के पति के पास। कुल मिलाकर मतलब के लिए ही पति है, मोबाइल के लिए पति नहीं है। अलमारी की चाबी ले लो पति, लॉकर की चाबी ले लो पति, पर मोबाइल का लॉक का कोड बड़ मत पूछो पति। देसी विदेशी सबका हाल यही है। हमारे यहां भारत में कुछ तो ऐसी है गोबर थापने वाली, हाल उनका भी वही है मोबाइल को लेके। तो लेना न देना, पढ़ाई न लिखाई न कुछ, पर मोबाइल में इतनी एक्सपर्ट हो गई है माताएं, तो हैरान हो जाते हम तो। ईंट डाल रही खोपड़ी पे, ईंट ऊपर ले जा रही है 10 मंजिल ईंट, मजदूरी कर रही है और मोबाइल में इतनी एक्सपर्ट है कि क्या कहना हमारा। ट्विटर हैंडल कर रही है, फलाना हैंडल कर रही है, सब हैंडल कर रही है, और बच्चे हैंडल हो नहीं रहे। उधर वो दस्त कर रहा है, उधर वो पेशाब कर रहा है, और पूरे ईंट ढो रही है। 8 घंटे तक बच्चों को देख ही नहीं, सालों को मक्खी खाई जा रही है। मक्खी लतपत हो रही बच्चों पे, ठूस के पिला दिया दूध भैंस का, और भैंस का पड़ रहा पी के खर्राटे मार रहा है, मक्खियां खाए जा रही हैं, नाक में घुसी है मक्खी, बच्चे को ना पहुंच रही, और मोबाइल को बार बार फूक मार मार के पहुंच रही है। क्या हो रहा है रे बाबा। आप सोचते होंगे महाराज बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, ना कॉमेडी नहीं है ये, क्या है ये, हंसी इसीलिए आती है क्योंकि ये घर घर की कहानी है। ये घर घर की कहानी है, इसीलिए जब कोई बात अपने ऊपर आती है तो आदमी को उसी में हंसी आती है या गुस्सा आता है, दो बातें। यही बात कोई घर पे कहे तो गुस्सा आएगा, और हम कहें तो हंसी आएगी, फर्क इतना ही है। इसीलिए सच्ची बात को भी महापुरुषों से सुनने में आनंद आता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, क्योंकि सत्य कड़वा होता है ऐसा लोग बोलते हैं, पर ऋषि महर्षि शास्त्र कहते हैं कि सत्य से ज्यादा मीठा कुछ भी होता नहीं है, नहीं है, पर वो सत्य होना चाहिए शास्त्रीय। किसी अच्छी वाणी से निकलेगा तो सत्य मधुर होता है, और कड़वा सत्य बोलना भी नहीं चाहिए। जिस सत्य से कड़वा बोलकर आग लग जाए, बर्बाद हो जाए किसी का लाइफ, ऐसा सत्य मत बोलो। वो सत्य असत्य से भी बड़ा दुश्मन है। तो ऋषि कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम, न सत्यम अप्रियम ब्रूयात, सत्य अप्रिय मत बोलो। पर सत्य बोलने वाले कैसे, हरिचंद्र होते हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि आग लग जाए दुनिया में, किसी की जिंदगी का कितना भी नुकसान हो जाए, पर वो तो हरिचंद्र है, सत्य बोलेंगे। पर वो बिल्कुल सत्यवादी नहीं है, पर वो तुम्हें मेटने के लिए ऐसा बोल देते हैं, सत्य का प्रयोग करते हैं। कूट कूट के भरी पड़ी है बुराइयां, पर दूसरों में बुराइयां देखते रहते हैं दिन भर, पूरे दिन दूसरों में, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, है सब बुराई दूसरे में ही, एक एक शब्द में बुराई ढूंढ रही है दुनिया, और खुद कितनी बुराई में डोल रहे हैं, पूरे गटर में नहा रहे हैं डूब के, पर अपनी बुराई को शौक मान रहे हैं वो, उसे बताने नहीं किसी को। राम क्या कह रहे हैं सीता से वो भी सुन लीजिए, अभी तो यात्रा ही चल रही है।
दशरथ जी ने मामला सही कर दिया घर का, एक पक्ष अच्छा हो गया। अब दूसरा पक्ष जिनकी उम्र कम है, जिनकी विचारधारा अलग है, अब उनको राम समझा रहे हैं सीता को। पर्दा खोल दिया रथ का राम जी ने और अयोध्या का दर्शन कराया दूर से। अयोध्या बहुत किलोमीटर दूर से ही दिख जाती है, रोड से भी, गाड़ी में, कार से भी दिखती है। कोई कोई स्पॉट ऐसे होते हैं जिससे पूरा शहर दिखता है बहुत किलोमीटर से, ऐसी अयोध्या का भी दर्शन होता है दूर से। तो राम जी ने जब पर्दा खोल दिए, सीता को कहा कि देखो ये नगर देखो। सीता ने जब नगर को देखा तो राम जी ने भेद रखा, अयोध्या नहीं है, ऐसा कहा, यह अयोध्या नहीं है। सीता ने कहा कि महाराज मैंने कभी ऐसा नगर नहीं देखा सुंदर, इतना सुंदर नगर मैंने कभी नहीं देखा। राम यही सुनना चाहते थे, राम को सुनना यह था कि जनकपुरी से सुंदर सीता को अयोध्या लगना चाहिए। तो सीता ने क्लियर ही कर दिया, महाराज मैंने ऐसा सुंदर नगर कभी देखा ही नहीं है, पर आप मुझे तो बताओ ये कौन सा गांव है, कहां से जा रहे हैं हम। तो राम कह रहे हैं ये यात्रा हमारी, रथ जहां से जा रहा है वहां अनेक नगर हैं, अब हमारा नगर आने वाला है तो उसके अगल बगल में भी ऐसे ही नगर है सुंदर सुंदर। तो सीता अब ये कल्पना कर रही है कि अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी इतने सुंदर हैं तो अयोध्या कैसा होगा, अयोध्या कैसा होगा, अयोध्या कैसा होगा। अयोध्या के बारे में सीता ने बचपन से पिताजी से सब सुन रखा था, राजा राजा की बातें करते। आपने, कई लोगों ने अयोध्या देखा नहीं है पर आपने सुन तो रखा है, मोबाइल से जान तो रखा है ना, चाची से, मामा से, कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो सीता भी सुन रही थी जनक पिता से, पर जो सुनते हैं तो उसके प्रति हमारा जो आकर्षण है वो बहुत बढ़ जाता है। सीता पल पल तरस रही थी कि मैं कब अयोध्या देखूंगी, कब अयोध्या देखूंगी। अयोध्या में सीता का प्रवेश हुआ तो राम जी ने एक और बात कही सीता से, आखिरी बात कहा, देवी मैं राम एक नारी व्रत वाला हूं, मैं शपथ लेता हूं सरयू की कि तुम्हारे सिवाय मेरे नेत्र किसी नारी को नहीं देखेंगे, पर मेरे तू प्राण मांगेगी मैं प्राण दे दूंगा जनक सुता, मेरे हर समय प्राण तू मांग ले मैं प्राण दूंगा, तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, पर बस एक ही काम तुम कभी नहीं करना, और वो यह है कि हम चारों भाई एक ही आंगन में सोते हैं और हमारी माँ हमारे साथ सोती है, हमारी माँ और हमारे भाइयों को हमसे अलग मत करना, बस इसके अलावा सब तुम्हारा है। सीता जी ने नेत्र बंद कर लिए और सीता जी ने व्रत लिया, मुझे तुम जो कहेंगे बस मैं वही करूंगी, मेरी कोई इच्छा ही नहीं होगी, मैं कभी अपनी इच्छा आपके सामने नहीं रखूंगी, बस मुझे आप भी अपने प्राणों से दूर मत करना। अयोध्या में रथ प्रवेश हुआ, ये वार्ता खत्म हुई। क्या देखा सीता ने, सीता जी ने देखा कि अयोध्या की नारियां सोने से लदी हुई हैं, लथपथ सोना, श्रृंगार, एड़ियों तक जमीन को टच करने वाले केस हैं अयोध्या की नारियों के, और हाथों में सुंदर सुंदर थाल आरतियां सजाकर सीता का अभिनंदन कर रही हैं अपने अपने दरवाजे पर। दुनिया के किसी भी महापुरुष की यात्रा अपने द्वार से निकल रही हो, चाहे वो स्त्री के रूप में दुर्गा हो, चाहे वो पुरुष के रूप में गणेश हो, हनुमान हो, राम हो, कृष्ण हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, हम सबको चाहिए, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि अपने दरवाजे पर एक लोटा पानी का अर्घ और दिए से आरती महापुरुष की अवश्य ही करनी चाहिए। भारत में ये सब होता है, आज भी होता है, जब भागवत की यात्रा निकलती है तो वहां तो भीड़ होती है, हजारों कलश होते हैं, तो पूरे गांव से भी यात्रा घूमती है, पूरे गांव से, गली गली से, उस यात्रा जिस गली से ना जाती उस गली के लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारी गली में क्या पाप किया है,
हाथ जोड़ते हैं, पैसा देते हैं, हमारी गली से ले जाना, हमारी गली से। यात्रा का जाना, कलश का जाना, केवल भागवत का जाना ही भगवान के जाने के समान मानते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ही भगवान का रूप है। इतनी मान्यताएं अच्छी हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप में डीएनए तो वहीं का है, आप इन मान्यताओं को खत्म मत होने दो। इस मान्यता को आप बनाए रखेंगे तो आगे चल के आपको रोटियां मिल सकती हैं, आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको देख भी सकते हैं। पर ये ग्रंथ की मान्यता खत्म हो गई तो ध्यान रख लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ केवल 25 साल तक हैं, उसके बाद तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखेंगे। लिख लो, अमेरिका में जाकर देख लो क्या हो रहा है, लंदन में जाकर देख लो क्या हो रहा है, यहां भी वही है, सब जगह वही है। अगर कहीं ऐसा नहीं है तो वो भारत है। तुम लोगों की वजह से वहां भी वो संस्कार आ गए गलत, सारी एक्टिविटी वही बदल रही है, बर्बाद होने वाली। वहां से भी लोग पढ़ रहे हैं, कोई एमटेक कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एक साल का कोर्स करके अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां बस जाते हैं और फिर यहां की एक्टिंग करने लगते हैं। काम को, पैसे को इतना महत्व मत दो, माता पिता जन्म देने वालों को महत्व दो, क्योंकि आज जो तुम कुछ भी हो या कुछ भी कर रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा किसका हक है, सबसे ज्यादा किसकी कृपा है, माता पिता की। उनके बगैर हम कहां होते संसार में, उनके बगैर हम कहां होते। पर जवानी आते ही मां बाप का अस्तित्व ही मिट जा रहा है दिमाग से। मत करो ऐसा। आपको जन्म तो लेना पड़ेगा मर के, आपको ऐसा जन्म मिलेगा कि आपके मां भी नहीं होगी और पिता भी नहीं होगा। मां और पिता दोनों जिसके नहीं होते, वो जन्म मालूम है कौन है, वो जन्म है बबूल का, कांटे वाला झाड़ बनोगे आप, जिनका मां बाप कोई नहीं होता है, जिनको स्थापित भी मनुष्य करता है और सुरक्षा भी मनुष्य करता है, ये ध्यान रखना। ऐसा मत करिए, जिस माता पिता ने अंदर रखा, कोख में रखा, गोद में रखा, जितने महीने गोद में रखती है ना मां, उतने ही मंदिर पेट में रखती है, पेट और गोद, और उतने महीने उसका सब झेलती है, उसके बाद 25 वर्ष तक उसकी आलिस मालिस सेवा, बच्चों के कपड़े हाथ में, बैग हाथ में, टिफिन हाथ में, सब हाथ में, आए बच्चे बैग पटक दिया, जूता पटक दिया, टाई पटक दी, फिर मां इकट्ठा करती रहती है, ये सारे काम मां करती है, वो कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो ये इसलिए करती है कि आगे चल के जब मेरे घुटने काम नहीं करेंगे, जब मेरी कमर काम नहीं करेगी, तो शायद ये भी मेरा करेंगे, तो कम से कम रिपीट रिटर्न तो करो, ब्याज मत दो, सूत दो, सूत मत दो, आधा दो, एडजस्टमेंट करो, पर माता पिता को कहीं ना कहीं याद रखो, कहीं ना कहीं पकड़ो। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहाँ भक्ति में शक्ति और वो नहीं फल जाप का, हिमालय में जाके जो भक्ति करेंगे उसका भी वो फल नहीं है, और हर समय माला पकड़ के राम नाम जपेंगे उसका भी वो फल नहीं है, जो फल माता पिता के आशीर्वाद से मिल सकता है, उनकी सेवा से मिल सकता है, उनके ऋण को चुकाने से मिल सकता है। इसीलिए कोई पाप आपने कर दिया हो ऐसा, तो उस पाप का प्रायश्चित करो, सब छोड़ के जाओ अपने माँ बाप के पास, चरणों में गिर के रो, पहले गिड़गिड़ाओ, माँ ऐसी नाजुक होती है कि अपने पापी औलाद को भी माफ कर देती है। चोरी डकैती गंदे काम करने वाला बेटा जेल चला जाए तो माँ सत्यनारायण की कथा सुनती है, मेरा बेटा जेल से आ जाए, बोलो ये माँ कर सकती है। और ये बेटा नाम की जो बीमारी है ना, एक गलती माँ कर दे तो बेटा कभी माफ नहीं करता उस माँ को, और बेटा हजार गलती करता है, रोज लाता रोज छोड़ता, रोज लाता रोज छोड़ता लड़कियां, पर मां माफ करती है, पर मां ने ऐसा कुछ कर दिया तो अथू मां के ऊपर थूक देगा, पर मां का गुण देखो,
माँ की पावर देखो, अपनी गटर में पड़ी हुई औलाद को भी पहुंच के प्यार कर लेती और माफ कर देती है। उसका दिल इतना महान है, इसलिए माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, रामायण माता की जय हो। क्या करना चाहिए फिर? यही रस पियो, यही आनंद पियो। देखो मेरे तो जन्म देने वाली माँ ने मुझे पता नहीं कितनी सेवा की थी मेरी, क्योंकि मैं तो 2 ही साल का था तब मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं है। पर अब जो माताएं मेरे यहाँ रहती हैं 90 साल की 95 साल की 100 साल की, उनके साथ जब मैं खेलता हूँ, उनके साथ जब मिलता हूँ, उनके प्यार करता हूँ, मैं उनके चेहरे की चुम्मियाँ ले लेता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है मैं उनके साथ नाच लेता हूँ, नाच गाता हूँ, तब पता चलता है कि माँ के अंदर पराया दिल होके भी जब उनके साथ हम जुड़ते हैं तो उनका दिल कैसे अपना हो जाता है। इसलिए ही ये लड़कियां औरतें बहक जाती हैं, क्योंकि इनका दिल नाजुक होता है, एक मिनट में बहक जाती हैं, एक मिनट में इनका दिल एक मिनट में रूठता है और एक मिनट में प्यार का हो जाता है। इसीलिए रूठने वाला कोई दिल हो उसे भी मनाओ, चाहे वो पत्नी का हो, बहन का हो, चाहे वो माँ का हो। क्यों? इनको हम पा नहीं सकते, इनकी इतनी मेहरबानी अपने जीवन पर रहती है। तो कभी दिल मत दुखाइए, यही आवश्यक है, उससे उत्तम उत्तम जीवन मिलेगा आपको और उत्तर उत्तर उन्नति होगी। ऋण चुक गया तो बहुत बड़ी मुक्ति समझो आपके ऊपर, पर ऋण तो हम चुका ही नहीं सकते, उनका माता पिता का ऋण कैसे चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। राम ऐसे ही पैदा नहीं हुए रघुकुल में, रघुकुल में दशरथ के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने 4थी पीढ़ी कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण था उस कुल में, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी पिता को देख लो सबने अचूक से अचूक कर्म किए। राम जी का जो वंश है वो कौन सा वंश है? रघुकुल। हरिश्चंद्र उसी कुल में पैदा हुए, हरिश्चंद्र के वंश में रघुकुल, रोहितास के ही कुल में, हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहितास, रोहितास के पुत्र के कुल में रघु पैदा हुए और उनके ही कुल में भागीरथ पैदा हुए। भागीरथ राजा दिलीप, राजा दिलीप ने महात्मा बना के आए थे, भगवान विष्णु महात्मा बनकर आए थे परीक्षा लेने के लिए, एक तराजू में कबूतर रख दिया था, कबूतर कहा था इस कबूतर की बराबर तोल के दे दो दान मुझको, वो दान तो लेने नहीं आए थे, परीक्षा ले रहे थे दानी कितने ही है। ऐसा माया का कबूतर कि भगवान श्री राम के परदादा सारा धन अर्पण कर दिया पर कबूतर जो है भारी रहा, तब क्या करें? तो कहते हैं गुरुदेव साधु की कामना पूरी करने के लिए धन गया, राज्य गया, सब गया, कुछ बचा ही नहीं, तो कहा महाराज कैसे पूरा होगा, अब ये तो कम पड़ रहा है और आप नाराज ना हो जाए हमारे द्वार से। और एक साधु अगर नाराज हो गया तो हमारा तो जीवन ही नरक हो जाएगा, हमारा सब खत्म हो गया, फिर बचा क्या? साधु को नाराज करके कुछ शेष रह नहीं जाता है, साल भर होगी नहीं उससे पहले सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और साधु श्राप नहीं देगा, वो जो तुमने कर्म कर दिया है उसका ही फल है वो, साधु को श्राप देने की आदत नहीं रहती है किसी को। तो क्या किया वो सुनो, महात्मा के समर्पण को पूरा करने के लिए, अपने धर्म को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, चढ़ा दिया तराजू में, दोनों हाथ काट के चढ़ा दिए। भजन पूरा होता नहीं है क्योंकि राजा भी जिंदा है, शरीर के अंग अंग चढ़ा दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिया, अंग को चढ़ा दिया। बाद में
भगवान विष्णु प्रकट हुए, सब चीजें हुई, दर्शन हुआ, आशीर्वाद हुआ। तब कहते हैं कुछ आचार्यों का मानना यह है कि भगवान विष्णु ने राजा को वहां वरदान दिया था कि तेरे घर में मैं पुत्र बनकर आऊंगा। ऐसा तपस्वी, ऐसा दानी व्यक्ति जो है उसके घर में भगवान का जन्म होता है। गंगा लाने वाले हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष, और रघुकुल जो नाम है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये वही कथा सुना रहा हूं मैं। स्वयं विश्वामित्र, विश्वामित्र ने भी परीक्षा ली थी स्कूल की, हाथ में शेर ले जाकर खड़ा कर दिया, इसको मांस खिलाओ, भूखा है, और ये बेटे का मांस खाएगा। राम के ही कुल का कथा सुना रहा हूं सब। राम ऐसे ही अरे गहरे घर में नहीं आ जाएंगे, राम को पाने के लिए कई पीढ़ियों को बलिदान देना पड़ता है। डीएनए बोलते हैं इसको, दादा परदादा, 7 पीढ़ी कम से कम उत्तम होनी चाहिए तब महापुरुष पैदा होते हैं। है? लुच्चे लफंगे भोगी बिलासी, और कल्पना करें कि महापुरुष पैदा हो जाए, कभी नहीं होगा। वहां से चला आ रहा है ना सब डीएनए, वहां से, तब धीरे धीरे होगा सारा खेल। तो बस मैं आपसे एक भजन के साथ चर्चा करता हूं, फिर कथा सुनाऊंगा टाइम रहा तो। समय के साथ आपको भी अपने जीवन को इसी तरह बनाना है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने बनाया। चलिए, मैं जो लाया हूं वही तुम ले जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे भरी लाओ, भरी लाओ, हा भरी लाओ गगरिया राम रस की। अरे राम रस की, हाय हाय रे राम रस की, रे भरी लाओ गगरिया राम रस की, 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 राम रस की, हाँ हाँ श्याम रस की, राम रस की, हाँ श्याम रस की, भरी लाओ गगरिया राम रस की, भरी लाओ गगरिया राम रस की, भरी लाओ गगरिया राम रस की। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज छुट्टी है तो थक जाएंगे, तो जल्दी जाके पहुंच जाएंगे घर, आज लेट नहीं होगा। नाच लो नाच लो, राम रस की भरी लाओ गगरिया राम रस की, राम रस की, राम रस की, राम रस की, हाँ राम रस की, भरी लाओ गगरिया राम रस की, ओ भरी लाओ गगरिया राम रस की, भरी लाओ गगरिया राम रस की, ओ भरी लाओ गगरिया राम रस की। भरी लाओ गगरिया राम रस की। सुनिए पीछे वालों, आगे वाले तो खड़े हो गए पीने के लिए, पीछे वालों की लाइन लगी है, लफड़ा है। ऐसी वैसी गगरी नहीं है ये। ब्रह्मा ने पी ली रे विष्णु ने पी ली, ब्रह्मा ने पी ली रे विष्णु ने पी ली, ब्रह्मा ने पी ली रे विष्णु ने पी ली,
ब्रह्मा ने पीली रे विष्णु ने पीली शिव जी ने पीली लगाए चुस्की शिव जी ने पीली लगाए चुस्की भर लाओ गगरिया राम रस की 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 हे हरि लक्ष्मी ने पीली सावित्री ने पीली लक्ष्मी ने पीली सावित्री ने पीली सावित्री ने पीली सरस्वती ने पीली सावित्री ने पीली सरस्वती ने पीली माँ गौरा ने पीली लगाए चुस्की माँ गौरा ने पीली लगाए चुस्की भर लाओ गगरिया राम रस की 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 राम रस की राम रस की राम रस की श्याम रस की भर लाओ गगरिया राम रस की ओ भर लाओ गगरिया राम रस की भर लाओ गगरिया राम रस के भर लाओ गगरिया राम रस के प्रहलाद ने पीली रे ध्रुव ने पीली 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 अरे गीता ने आहा अर्जुन ने पीली लगाए चुस्की हाँ अर्जुन ने पीली लगाए चुस्की भर लाए गगरिया राम रस की 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 सुधामा ने पीली नरसी ने पीली सुधामा ने पीली नरसी ने पीली सुधामा ने पीली विदुर जी ने पीली लगाए चुस्की विदुर जी ने पीली लगाए चुस्की भर लाए गगरिया राम रस की भर लाए गगरिया राम रस की भर
भर लाए गगरिया राम रस के, भर लाए गगरिया राम रस के, राम रस की हाँ श्याम रस की, राम रस की हाँ श्याम रस की, भर लाए गगरिया राम 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 रस की। द्रौपदी ने पीली रे सबरी ने पीली, द्रौपदी ने पीली रे सबरी ने पीली, द्रौपदी ने पीली सबरी ने पीली, द्रौपदी ने पीली रे सबरी ने पीली, द्रौपदी ने पीली ओ सबरी ने पीली, द्रौपदी ने पीली रे सबरी ने पीली, मीरा ने पीली लगाए चुस्की ओ मीरा ने पीली लगाए चुस्की, भर लाओ गगरिया राम रस की, 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 भर लाए 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 गगरिया राम रस की। श्यापति राम चंद्र भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, रामायण मात की जय हो, जय जय श्री